श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ कौन तेष्वध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देव होतिर्वाच लक्षण मेधादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्षते मीषां येन तत् पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रत्यक्षते भक्ति योग्यस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष जीवलोकस्य विविधा मम संस्रतिः। कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनः। लोकस्य मिथ्याभिमतैर्चक्षुषरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रय श्रान्तस्य कर्मस्वनु विद्या धिया तुमा विरासी किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः लक्षणं प्रतिनन्द्य महामुनिः। आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मासर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दग्भावं मदिमयी कुर्यात् स तामसः। विषयान अभिसंधाय यशैश्वर्यमेव वा आर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथक भाव स राजस। देवहूति ने कहा प्रभु प्रकृति पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा माता जी साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यद्ये यजेध्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः मृदग्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बसोऽम्बुधो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य
शुदार्हतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्येक त्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदारतः येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावयो पपद्यते निषेवितेना निमित्तेन सर्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नीतिहिस्त्रेण नित्यशः मद्धिन्य मद्धिष्यन दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदने भूतेषु मद भावनया सत्वेना संगमेन च महता बहुमानेन दीनानामनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणानां संकीर्तनाच मे आर्जवेनार्यसंगेन निरहंक्रियया तथा मध्यमर्णो गुणैरेते परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्यांज्यसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि मां यथा वातरथो घ्राणं मा व्रंग ते गंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मानं विकारियत। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांग कर मेरे भाव को मेरे प्रेम रूप और प्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियाओं योग का अनुष्ठान करने मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने प्राणियों में मेरी भावना करने धैर्य और वैराग्य के अवलंबन महापुरुषों का मान दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने यम नियमों का पालन आध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के वेग से उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम् यो मा सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ़ाभ्यस्यम् नेव जुहोति सः द्विशतः परकाये मां मानितो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धिर्वैरस्य न मनः शान्ति मृच्छति अहमुच्चावचैर्द्रव्ये क्रियोत्पन्न या नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः
अर्चादावर्चयेताव दीश्वरं मा स्वकर्मकृत यावन्न वेद स्वर्हति सर्वभूतेष्व भूतेष्व वस्थितम् आत्मनश्च परस्यामि यः करोत्यन्त रोदरम् तस्य भिन्नदशो मृत्युर्विर्दधे भयमुल्बणम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्येद्दानमानाभ्यां मित्र्याभिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्या जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चिता प्रवरास्त तश्चेन्द्रियवृत्तयः तथापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वरा। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं वह उनकी पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है तो वह मानो भस्म में ही हवन करता है। जो वेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट है तथा रस वेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वाले से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। रूप भेद विशस्तत्र ततश्चो भयतोदतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यार्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात संशयच्छेता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् दोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मयर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतं कर्तु समदर्शनात् मनस्तैतानि भूतानि प्रणमे द्वहु मानयन ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययो कतरेणेव पुरुषः पुरुषं व्रजेत एतत् भगवतो गोपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानमपुरुषं देवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं। उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत से चरणों वालों से चार चरण वाले और चार चरण वालों से भी दो चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी
चार वर्ण श्रेष्ठ है, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ है। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले और उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ है। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्त्वादि के अभिमानी भेददर्शी ब्राह्मण प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। योन्त प्रविश्य भूतानि भूतेरत्यखिलाश्रय स विष्णवाख्योधियज्ञो सौकाल कलयताम प्रभु न चास्य कश्चिद्धयितो न द्वेष्यो न च बांधवः अविशत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जन्मन्तकृत यद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयाद्वर्षते देवो भग्नो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधीभिः सह स्वे स्वे काले विग्रहन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्त्रवन्ति सरितो भीता नो सर्पत्यु दधिर्यतः अग्निरिन्दे सगिरिभिर्भूर्न मज्जति यद्भयात् नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नीयमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम् गुणाभिमानिनो देवा सर्वादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम् यो अनन्तोऽन्तकरः कालोनादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनन जनयन्मार यन्मृत्यु नान्तकम्। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाले विष्णु हैं। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती हैं और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का सात आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलेयोपाख्याने एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।